डेट है आज 3 जून 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे आज इस क्लास में हम। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ स्टैटिक पोर्शन पे और करंट अफेयर पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना लॉन्च ऑफ रिवैम्प्ड सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। एक योजना जी हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ये पहले से ऑलरेडी ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लॉन्च की हुई है, उसका नेक्स्ट वर्जन इसी का लॉन्च किया है रिवैम्प्ड लगा के, बस आगे रिवैम्प्ड लगा दिया है। ये स्कीम जो पहले से ऑलरेडी स्कीम चली हुई है जैसे रेन राष्ट्रीय आरोग्य निधि और एक डिस्क्रिशनरी ग्रांट ऑन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इन्हीं की अम्ब्रेला स्कीम है ये, इन्हीं का पार्ट है ये रिवैम्प्ड सेंट्रल हेल्थ गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये किसकी स्कीम है जी, किसने लॉन्च किया है? देखो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसे लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है जी इस योजना का? इस योजना का टारगेट है कैशलेस पेपरलेस सिटीजन सेंट्रिक सर्विस प्रोवाइड करना। कैशलेस का मतलब है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जाएंगे तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पेपरलेस होगा जी, कोई आपको स्लिप वगैरह सब इंटरनेट पे जी डिजिटली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, क्या बीमारी है, क्या आपको दवाई दी गई है, सारी इंटरनेट पे ही आपके कंप्यूटर पे सेव रहेगी सारी जानकारी। सिटीजन सेंट्रिक का मतलब है जी कि सिटीजन की नीड के हिसाब से, जो हमारे भारतीय नागरिक की ज़रूरत है उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसे सर्विस प्रोवाइड की जाए, सेवा प्रोवाइड की जाए, ना कि जो गवर्नमेंट चाहती है, समझ गए? तो सिटीजन सेंट्रिक सर्विस होगी। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में है क्या जी, और किस किस के लिए होगी? क्या सभी नागरिक के लिए होगी? जी नहीं, बिल्कुल ये सिर्फ होगी जो जो हेल्थ स्कीम होगी सर्विंग एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, पेंशनर है या फिर जो गवर्नमेंट से रिटायर हो गए जी, पेंशन मिल रही है उन्हें, उन्हें के लिए, या पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं जी उनको, या एक्स एमपी हैं। तो ये मेनली किसके लिए होगी? पार्लियामेंट में या तो कोई जी एम्प्लॉय था, कोई वहाँ पे नौकरी कर रहा था, या रिटायर हो गया, या अभी मेंबर है, या एक्स एमपी है जी, मतलब कोई पहले सांसद था, उसके लिए स्कीम होगी जी, या फिर उसकी कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है, जैसे एमपी एमएलए जी, या मतलब एमएलए नहीं एमपी है, जो पार्लियामेंट का एमपी है, रिटायर हो चुका है या अभी एमपी है, उसके जो फैमिली मेंबर है उनके लिए भी ये स्कीम होगी। और इसकी ड्यूरेशन कितनी है जी? ये देखो जी, ये पहले लास्ट 7 ईयर से ही चल रही है और ये अभी एक्सपेंड कर दिया 72 सिटीज़ के लिए, मतलब ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे जहाँ पे इसकी सेवा ले सकते हो इस स्कीम की, और 72 सिटीज़ में गवर्नमेंट में, मतलब हमारे इंडिया में 72 शहर में ये स्कीम लागू कर दी है अभी। ये ई रेफरल मोड पे डेवलप की गई है जी। किसने डेवलप की है इसे? नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर NIC ने डेवलप किया है। इससे क्या है, जितने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर डिस्पेंसरी वगैरह या वेलनेस सेंटर आएंगे वो ऑनलाइन आपको रिफ़र कर सकते हैं जी, ये हॉस्पिटल वगैरह, जैसे मान लो जी डिस्पेंसरी वगैरह होती हैं जिस पर दवाई वगैरह मिलती है गवर्नमेंट की, स्टोर जैसे मेडिकल स्टोर होते हैं, या फिर वेलनेस सेंटर का मतलब है जी जैसे हॉस्पिटल ही मान लो, छोटा हॉस्पिटल, तो इनमें क्या है जी आपको ऑनलाइन ही क्या है रेफ़र कर देंगे, सारी जानकारी होगी, ई रेफरल मोड होगी, इस मान लो एक पैनल होगा जी, साइट होगी, साइट पर जाके सारी जानकारी मिलेगी, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सिटी में कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध है, फैसिलिटी सब जानकारी ये एमपी को होगी अगर ये कोई हेल्थ फैसिलिटी लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है जी इसमें राष्ट्रीय आरोग्य निधि, ये इसी की मतलब अम्ब्रेला स्कीम है जी, RNA की अम्ब्रेला स्कीम की पार्ट है ये, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लॉन्च की है, एक्सटेंड की है, लॉन्च तो पहले ही हो चुकी है, लास्ट 7 ईयर से चल रही है ये। RN में क्या है जी, इसमें प्रोवाइड करते हैं हम 15 लाख की असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, 15 लाख रुपये देते हैं जी किसी भी पुअर पेशेंट को, जो भी गरीब मतलब ऐसा मरीज है जी, गरीब है और उसको कोई डिसीज हो रखी है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, मतलब उसको खतरा है, मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है, तो उसके इलाज के लिए गवर्नमेंट इस योजना के अंतर्गत 15 लाख 15 लाख रुपये प्रोवाइड करती है उस पेशेंट को। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है जी, एलिजिबिलिटी स्टेट और यूटी गवर्नमेंट जो होती है जी, स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की, तो वो आइडेंटिफाई करती है BPL फैमिलीज़ को, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब जो गरीब लोग होते हैं जी उनको BPL कार्ड दे देते हैं, उसके थ्रू क्या है उन्हीं को, सिर्फ गरीब लोगों को ये 15 लाख की राशि दी जाती है, तो इसमें सारे कवर नहीं होते हैं, तो ये याद रखना आपको कौन बेनिफिशियरी कौन है, मतलब कौन किस किस को मिल सकता है ये लाभ, इसमें सबको नहीं, अमीर लोगों को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है जी हेल्थ मिनिस्टर्स डिस्क्रिशनरी ग्रांट, ये क्या है जी, ये है जी डिस्क्रिशनरी का मतलब है जी अपनी मर्जी से, हेल्थ मिनिस्ट्री क्या है जी अपनी मर्जी से किसी को ग्रांट देती है, जिसकी भी इनकम एनुअल इनकम एक साल में जो 1.25 लाख रुपए से कम कमाता है, 1.25 लाख से कम कमाता है कोई हमारे भारत का नागरिक, तो उसे मैक्सिमम अमाउंट ₹1.25 लाख, यानी कि 1.25 लाख रुपए मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वर्ड याद रखना है जी,
यूपीएससी यहाँ पे रख देगी एटलीस्ट, तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। कम से कम 1.25 लाख रुपये देगी हेल्थ मिनिस्ट्री नाना, मैक्सिमम है जी, ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 लाख रुपये प्रोवाइड कर सकती है आपको, ऐसे ग्रांट दे सकती है, दान दे सकती है इलाज करने के लिए, अगर आपकी इनकम 1.25 लाख से कम है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है जी, सब कोई भी ले सकता है जिसकी इनकम 1.25 लाख से कम है एनुअल इनकम। इसमें बेनिफिशियरी अपना ही कैसे अप्लाई कैसे करेंगे, जब इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, जैसे मान लो जी राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना है, और ये आपकी दूसरी होगी डिस्क्रिशनरी ग्रांट हेल्थ मिनिस्ट्री की। दोनों के लिए अप्लाई करने के लिए जी ये क्या करेंगे, दोनों स्कीम के लिए राशन कार्ड नंबर प्रोवाइड करेंगे जी, अपना राशन कार्ड नंबर, और फिर इन्हें ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी दोनों स्कीम में। अगर किसी को लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है तो RNA स्कीम यूज की जाएगी, और किसी को और कोई मान लो जी बीमारी है तो उसे ग्रांट दी जा सकती है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यही था जिसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व। वर्ल्ड मिल्क डे मतलब विश्व दुग्ध दिवस, दुग्ध दिवस। ये हर साल 1 जून को मनाया जाता है जी, सेलिब्रेट किया जाता है। अभी इसमें जी क्या है, वर्चुअल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया इसके ओकेजन पे, जो वर्ल्ड मिल्क डे होता है, हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ने, इस मंत्रालय ने एक वर्चुअल सबमिट किया जी, प्रोग्राम किया एक तरह से। इसमें जी एवरी ईयर मनाया जाता है 1 जून को, और इस ओकेजन पे क्या है, ये चीज़ याद रखनी है, जब भी वर्ल्ड मिल्क डे होता है तो ये गोपाल रत्न अवार्ड दिए जाते हैं जी। किसको दिए जाते हैं ये ऐसे फार्मर्स को दिए जाते हैं जी, किसानों को, जो मान लो जी पशु वगैरह पालते हैं, दूध वगैरह बेचते हैं, और जिन्होंने अच्छी क्वालिटी मेंटेन की है, ऐसे को फार्मर्स को और प्रमोट करने के लिए ये गोपाल रत्न अवार्ड दिए जाते हैं जी इस डे पे, जब 1 जून को होता है ये वर्ल्ड मिल्क डे। तो इसमें जी एक ई गोपाल ऐप भी लॉन्च की है, ई गोपाल ऐप को इंटीग्रेट कर दिया उमंग ऐप से। एक उमंग ऐप है जी मोबाइल में, आप प्ले स्टोर पर जाकर देखोगे मिल जाएगी आपको, ई गोपाल ऐप भी मिल जाएगी, इन दोनों को लिंक कर दिया। इसमें क्या है, उमंग ऐप ये है जी, कोई भी फैसिलिटी ले सकता है जी इंडिया का सिटीजन, कोई भी, जैसे किसी को आधार कार्ड बनवाना है, किसी को राशन कार्ड बनवाना है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं जी। ई गोपाल ऐप है जी, ये जानकारी देती है इसके बारे में, मिल्क के बारे में, कि कहाँ पे मिल्क की प्रोडक्शन कितनी है, कितना कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, सप्लाई कहाँ पे कर सकते हो, मार्केट कहाँ पे है, तो ये सारी जानकारी देगी जी फार्मर्स को जो दूध वगैरह उगाते हैं। तो आप ये क्या है जी, इस पर फैसिलिटी ले सकते हैं ये। तो ये अभी ऐप लिंक कर दिए किससे, उमंग ऐप से, उमंग प्लेटफॉर्म से, ई गोपाल ऐप। ई गोपाल ऐप में जी ये किसकी फुल फॉर्म है, जनरेशन ऑफ वेल्थ थ्रू प्रोडक्टिव लाइफ स्टॉक, ये कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीड इंप्रूवमेंट मार्केट प्लेस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी जी डायरेक्ट फार्मर्स को। नेक्स्ट है जिसमें मिल्क सेक्टर इन इंडिया, इंडिया में कितना मिल्क प्रोडक्शन होता है जी, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, दूध का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है जी इंडिया में। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है जी, सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ पे होता है, इंडिया में। पूरे वर्ल्ड का 1/5 जो प्रोडक्शन है जी मिल्क का, इंडिया में होता है, यानी कि 20% इंडिया में होता है। उसके बाद USA, चाइना, पाकिस्तान और ब्राज़ील है जी। और एक बात याद रखनी है जी, जितने मिल्क के प्रोडक्शन से जितनी आउटपुट आती है, मतलब दूध बेच के जितना इंडिया पैसा कमाता है, उसकी प्रोडक्शन की आउटपुट, हम टोटल वीट और पैडी की आउटपुट को कंपैरिजन करें तो मिल्क की आउटपुट की वैल्यू ज़्यादा है कम दोनों से, कंबाइन वीट एंड पैडी की आउटपुट से। तो ये है जी इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इनिशिएटिव लॉन्च टू प्रोवाइड मेजर फिलिप टू द सतत इनिशिएटिव। अभी ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है जी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने, ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव, सतत इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। सतत इनिशिएटिव क्या है जी, ये एक स्कीम है, इसका एम है, टारगेट है कि जो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, ऐसे प्लांट लगाना है जी, प्लांट का मतलब है जी, वहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस की जाएगी, पैदा की जाएगी, जिससे क्या है मार्केट में जी ये ग्रीन फ्यूल है जो अवेलेबल हो सके, क्योंकि जो बायोगैस है जी कंप्रेस बायोगैस ग्रीन फ्यूल है, इसका मतलब है जी इससे पॉल्यूशन नहीं होता जी, पॉल्यूशन बहुत कम होता है, बहुत ही कम मात्रा में। तो इसमें क्या है जी, सतत स्कीम में 15 मैट्रिक मिलियन टन कॉम्प्रेस बायोगैस प्रोड्यूस की जाएगी, जो हमारे इंडिया में 5,000 प्लांट्स हैं ऐसे प्रोड्यूस करने के, पैदा करने के। 2023 तक ये 5,000 प्लांट्स में 15 मैट्रिक मिलियन टन बायोगैस प्रोड्यूस की जाएगी। इससे क्या होगा, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट फ्यूल होगा जी, अवेलेबल मतलब कि जी जो ग्रीन फ्यूल होगा ये, इससे पोल्यूशन बहुत कम होगा, डीजल और जो पेट्रोल अभी यूज करते हैं कारों में, गाड़ियों में, तो ये क्या है, इसको बायोगैस, कॉम्प्रेस बायोगैस को यूज करके चलाया जा सकता है इन व्हीकल्स को, जिससे पॉल्यूशन भी कम होगा। और दूसरा, जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू बचता है, एग्रीकल्चर रेजिड्यू का मतलब है जी
कृषि करने के बाद जो अवशेष बचते हैं, जैसे धान की खेती की पैड़ी की जो अवशेष बचता है, जैसे चारा बच जाता है ना, जिसे स्टबल भी बोलते हैं या फिर आपका पराली भी बोलते हैं, या फिर गोबर बच गया जी, डंग भैंस का गाय का जो भी पालते हैं जी फार्मर्स, या म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट बचा जी शहरों में या गाँव में जी, सो जो वेस्ट बचता है घरों से जी, सब्जी काटने के बाद छिलके विलके कुछ भी, इनकी क्या है जी, इनको यूज करके इस बायोगैस प्लांट में डालेंगे जी, और इनको यूज करके करके गैस बनाई जा सकती है इनको, इनसे कंप्रेस्ड बायोगैस तो ये यूज किए जा सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो जी इससे फ़ायदा होगा किसानों को भी, एक तो किसानों को इनकम मिलेगी क्योंकि ये गोबर वगैरह को बेचेंगे इस प्लांट्स में। मान लो गांव के पास कोई प्लांट लगा हुआ है CBG का, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का, तो इन्हें इनकम मिलेगी जी, इनको इनकम जनरेट होगी। और जो हमने एक प्लान बनाया हुआ है फार्मर्स की इनकम को डबल करने का 2022 तक इंडिया का, तो इसमें भी इस स्कीम को भी प्रमोट करेगा जी ये। नेक्स्ट ये क्या जी, इससे डायरेक्टली जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी लोगों को, 75,000 लोगों को जॉब मिलेंगी, क्योंकि जब ये प्लांट हो गए जी जिनमें CBG कंप्रेस बायोगैस प्रोडक्शन होगी, उसमें लोग भी तो चाहिए, तो इनको नौकरी मिलेगी और इनडायरेक्ट जॉब मिलेगी जी, कम से कम लाखों लोगों को इनडायरेक्ट जॉब मिलेगी। और इसमें इन्वेस्टमेंट जो आएगी जी, कम से कम 1.75 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आने की इसमें प्रोवाइड की जाएगी इस कंप्रेस बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो यही था जी, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, RDSO बिकम्स फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू बी डिक्लेयर्ड SDO। देखो जी, एक रेलवे, इंडियन रेलवे की एक ऑर्गेनाइजेशन है RDSO, जिसका नाम है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसा जी फर्स्ट इंस्टीट्यूशन बन गया है जिसे SDO डिक्लेयर कर दिया है। SDO को मतलब है जी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये किसने डिक्लेयर किया जी, किसने घोषणा की है इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन करने की, किसने घोषणा की है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। इसका एक मिशन है जी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे जी। स्टेचुटरी बॉडी है, एक्ट के द्वारा बनाई गई थी ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जी। इसकी स्कीम है, एक योजना है, मिशन है, वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन। इसके अंतर्गत, इसके अंडर ही RDSO को SDO डिक्लेयर कर दिया है। इसके जी जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जिसने लॉन्च की एक स्कीम, उसके अंतर्गत ही SDO इसे डिक्लेयर किया है कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड विजन के, विजन मतलब विजन के अंदर ही इसको डिक्लेयर किया है। इसका टारगेट क्या है जी, एम क्या होगा इस स्कीम का? इस स्कीम का एम ये है जी कि जो भी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अभी ये स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये डिक्लेयर की है, इससे क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है जी, जैसे मान लो ये रेलवे के लिए कुछ इक्विपमेंट बना रही है जी, ये जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जी, मान लो ये RDSO, तो क्या जी एक स्टैंडर्ड फिक्स हो जाएगा कि पूरे कंट्री वाइज, कि पूरी कंट्री में वो स्टैंडर्ड फिक्स होगा। उससे क्या है, ये स्पेसिफिक सेक्टर डेवलप हो सकेगा और एक स्टैंडर्ड के क्वालिटी क्वालिटी के प्रोडक्ट बना सकेगी जी ये ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्वालिटी होगी जी, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होंगे इसके, एक स्टैंडर्ड डेवलप किया किया जाता है। इसलिए ये आइडिया है जी, वन नेशन वन स्टैंडर्ड जो मिशन है, ये 2019 में पहली बार लाया गया था BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। और जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है ना, इसी के तहत ये लाया गया था। मतलब कि जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम चलाई हुई है गवर्नमेंट ने, कि एक राष्ट्र एक ही राशन कार्ड होगा, आप किसी भी स्टेट में जाके राशन ले सकते हो। गरीब लोगों के पास जैसे राशन कार्ड होता है जी, BPL कार्ड होता है, उसके थ्रू कहीं पे भी मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने के कोई लोग गया, तो पहले ये होता था जी, उसे राशन लेने के लिए दूसरे स्टेट में नहीं मिलता था, उसे अपने स्टेट में ही राशन लेना तो लेना होता था, मंथली जो प्रोवाइड करती है जी गवर्नमेंट। लेकिन ये स्कीम चलाई जी ताकि ये क्या है जी, ये इनको ना हो सके परेशानी राशन लेने में, दूसरे स्टेट में जाएँ तो कहीं से भी ले सकें। तो इसी तर्ज पर जी, इसी तर्ज पर ये स्कीम लॉन्च किया वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन BIS ने। इसमें यह है कि पूरे कंट्री वाइज एक ही स्टैंडर्ड हो सबके लिए, पूरे प्रोडक्ट जो भी बनाए, मान लो ये रेलवे के लिए। तो ये वन नेशन वन स्टैंडर्ड जो मिशन है गवर्नमेंट का, BIS ने ये लॉन्च किया है। ये 3 ईयर का प्रोग्राम है जी। इसकी रिकग्निशन किस लिए दी गई है? जो RDSO को बनाया गया है जी, SDO स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 3 साल के लिए इसे टैग दिया जाएगा। उसके बाद क्या है जी, इसका पीरियड फर्दर भी बढ़ाया जा सकता है, कंप्लीशन के बाद दोबारा रिन्यू किया जा सकता है। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या है जी, देखो जी ये स्टैंडर्ड तैयार करती है एक तरह से। जैसे आपने कोई भी खाने पीने की चीज़ देखी होगी जी, जैसे मान लो बोतल पे देखा होगा BIS मार्क लिखा होता है कहीं पे, या कोई और प्रोडक्ट है जी, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट लेके आए, उस पर BIS मार्क्स लिखा होता है जी कि क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी जो प्रोवाइड करता है ना सर्टिफिकेशन इस क्वालिटी का, वो कौन प्रोवाइड करता है? ये BIS प्रोवाइड करता है जी सर्टिफिकेट, समझ रहे हो? जैसे आपके घर में फ़ैन होगा जी, उस पर लिखे होता है ना, जैसे आपके घर में फ्रिज होगा उस पर लिखा होता है 5 स्टार 3 स्टार का, कि बिजली कम खाएगा। ये क्वालिटी स्टैंडर्ड कौन प्रोवाइड करता है?
ये देता है जी, ये BIS देता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये मार्केटिंग करने के लिए, क्वालिटी सर्टिफिकेशन देने के लिए, किसी गुड्स का स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, ये सारे डेवलपमेंट कौन करता है? BIS करता है। ये 1986 में एक्ट बनाया था जी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसके तहत ही इसको बनाया गया था, यानी कि एक्ट के थ्रू बनाया, यानी कि स्टैचुटरी बॉडी हो गई, यानी कि सांविधिक संस्था। ये कौन से मंत्रालय के अंदर काम करती है जी? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस मंत्रालय के अंदर ये काम करती है जी। ये देखो मंत्रालय जो मिनिस्ट्री है, ये याद करना जरूरी है, UPSC पूछ लेती है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है। इसके बाद जी, वो BIS एक्ट 1986 का था, उसमें 2016 में कुछ रिफॉर्म किए गए, सुधार किए गए, इसमें अमेंडमेंट किए गए, और इस एक्ट में तो ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है जी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो चलते हैं जी, ये नेक्स्ट पे इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है जी सिनोवैक COVID-19 वैक्सीन। ये चाइना की सेकेंड वैक्सीन है जी, दूसरी, जिसने WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूवल दे दिए। अब इसे क्या जी, एमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिए, कब ये यूज की जा सकती है, कोई भी कंट्री खरीद सकती है चाइना से जी सिनोवैक COVID-19 वैक्सीन। ये पहली वैक्सीन ये थी जी सिनोफार्मा चाइना की, ये फर्स्ट वैक्सीन थी जिसे अप्रूवल मिला था WHO से। WHO आप जानते होंगे जी 1948 में बनाया था ये, पूरे वर्ल्ड वाइड हेल्थ सुनिश्चित कर सके, अमीर या गरीब कंट्री हो या अमीर या गरीब आदमी, सबके लिए तो एक रूल्स रेगुलेशन बनाती है पूरे वर्ल्ड वाइड। 1948 में बनी थी, यूनाइटेड नेशन की ही स्पेशलाइज एजेंसी है जी एक ये। इसमें जी क्या है, अब जैसे अप्रूवल मिल गया सिनोवैक को, वैक्सीन को, तो अब कोई भी कंट्री क्या जी इमरजेंसी यूज के लिए इंपोर्ट कर सकती है, चाइना से मंगा सकती हैं, ये फ़ायदा होगा जी बस इससे। एक चीज़ याद रखनी है बस इसमें, सिनोफार्मा और सिनोवैक, ये वैक्सीन किसकी है? चाइना की है, और वैक्सीन है COVID-19 के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन स्पेशल रिपोर्टर्स। रिपोर्टर्स क्या हैं जी यूनाइटेड नेशन के? देखो जी ये वॉलंटियर की तरह काम करते हैं। वॉलंटियर का मतलब है जी बिना सैलरी के जो काम करता है ना, वॉलंटियर बोलते हैं। स्पेलिंग देख लो जी आप वॉलंटियर की, वॉलंटियर VOLUNTER। तो ये क्या है जी, अभी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ने ये कहा जी कि यूनाइटेड नेशन के लिए जो ये काम करते हैं यूनाइटेड नेशन स्पेशल रिपोर्टर्स, ये क्या है जी, ये कौन के मैंडेट पे काम करते हैं? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है जी, ये मैंडेट देता है, मतलब ये एक तरह से इनको डायरेक्ट करता है, उसके डायरेक्शन पे ये काम करते हैं जी, और ये रिपोर्ट देते हैं किसी भी सिविल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सोशल राइट, ह्यूमन राइट के बारे में, मतलब मानव अधिकारों के बारे में ये जानकारी देते हैं यूनाइटेड नेशन को। ये काम करते हैं जी वॉलंटरी, इन्हें जी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दी जाती, कोई फाइनेंशियल कंपनसेशन नहीं दी जाती यूनाइटेड नेशन के द्वारा, बिना किसी वित्तीय सहायता के, बिना किसी सैलरी के ये काम करते हैं जी, बिना किसी फाइनेंशियल कंपनसेशन के। नेक्स्ट है जी जस्टिस AK मिश्रा टू हेड NHRC। देखो जी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसके नए हेड यानी कि चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं अभी, जिनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा, इसलिए ये न्यूज़ में है। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है जी, एक स्टैचुटरी बॉडी है जी, एक्ट के जरिए बनाया गया था, इसको कई बार पढ़ चुके हैं जी, स्पेशल लेक्चर भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो पॉलिटी की प्ले लिस्ट में जाके डिटेल में। देखो जी जब चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है, कौन करता है जी? प्रेजिडेंट करता है, और किसकी एडवाइस पे? 5 मेंबर की एक कमेटी बैठती है जी, जिसमें कौन कौन मेंबर होते हैं जी? एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं जी, एक होम मिनिस्टर, एक जो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं जी वो, लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो रहता है जी लोकसभा में। तो ये 5 मेंबर होते हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मेंबर की कमेटी बैठती है, जो ये रिकमेंडेशन देती है यानी कि सिफारिश देती है जी, उसी की सिफारिश पे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं उस मेंबर को चेयरमैन NHRC का। ये जी 1993 में बनाई गई थी, और एक्ट बनाया था जी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, उसके जरिए ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया था जी। ये ह्यूमन राइट का वॉयलेशन ना हो हमारी कंट्री में, ये देखभाल करती है जी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। डिटेल में देखना तो लेक्चर देखो जी पॉलिटी की प्ले लिस्ट में जाके। नेक्स्ट है जी H10N3 बर्ड फ्लू स्ट्रेन। ये क्या जी, एक बीमारी है जी, वायरस, वायरस से होने वाली बीमारी है H10N3। इसके केस रिपोर्ट किए गए जी, अभी वर्ल्ड का सबसे पहला ह्यूमन इन्फेक्शन मिला है चाइना में। चाइना ही है जी सबकी जड़, चाइना में भी बहुत सारे वायरस मिल रहे हैं। देखो जी चाइना में ऐसा ये केस मिला है जिससे पहली बार ह्यूमन में हुआ है, मानव को हुआ है। ये एक बर्ड फ्लू स्ट्रेन है जी, बर्ड फ्लू मतलब पक्षियों को होने वाला फ्लू वायरस है जी, वायरस H10N3। ये H और N है जी, ये प्रोटीन के नाम है, वायरस के प्रोटीन के नाम है इसमें H10 और N3। H10N3 बर्ड फ्लू है क्या? ये देखो जी बर्ड फ्लू का ही टाइप है, एक H1 बर्ड फ्लू बोल लो या फिर एवियन फ्लू भी बोल सकते हो जी, एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू का ही एक टाइप है, प्रकार है H10N3 वायरस। ये कॉमनली किस में होता है जी? ये बीमारी सबसे कॉमनली होता है जी वाइल्ड एक्वाटिक बर्ड में। एक्वाटिक बर्ड का मतलब है जी पानी में रहने वाले पक्षी, जो जंगलों में पानी में रहने वाले पक्षी हैं उनको ये अधिकतर होता है,
और लेकिन ये जो डोमेस्टिक पोल्ट्री होते हैं जी, पोल्ट्री का मतलब है जी मुर्गी मुर्गा, उनको भी हो सकता है जी, हैन या कॉक उनको भी हो सकता है ये, और बर्ड वगैरह एनिमल स्पेसीज होते हैं जो डोमेस्टिक घरों में पाले जाते हैं उनको भी ये फैल सकता है, इन जो जंगली जानवर है जी, मतलब जंगली पक्षी हैं उनसे भी। इसका स्प्रेड और ट्रांसमिशन कैसे होता है जी, कैसे फैलता है ये? देखो जी, फैलता है ऐसे, ये स्लाइवा से, जैसे कोई बर्ड है जी वो इससे इन्फेक्टेड है, ये H10N3 वायरस हो रखा है और उसका कोई स्लाइवा, स्लाइवा का मतलब है जी लार, मुंह की लार अगर किसी पक्षी के कांटेक्ट में आ जाए जी और उसकी लार वो उसके मुंह के अंदर चली जाए, समझ रहे हो, तो हो सकता है, या म्यूकस या पूप से, म्यूकस पूप का मतलब है जी बलगम से, बलगम से हो सकता है, या ह्यूमन्स को भी अफेक्ट हो सकता है जी, लेकिन ह्यूमन को होने का चांसेस बहुत कम होते हैं जी इसके। या फिर जैसे कोई पक्षी होता है जी, ये वायरस आई में, नोज़ में, माउथ में चला गया ह्यूमंस के या किसी के पक्षी के, तो ये स्प्रेड हो सकता है जी। इसके कंसर्न क्या है जी, मतलब क्या परेशानी है इसके? देखो जी, इसकी परेशानी तो बहुत ही कम है, एक्सट्रीमली लो है ये पेंडेमिक के। क्या है कि इस जो ये बर्ड फ्लू है, ये वाला H10N3, H10N3 ये वाला क्या है कि ये जो बर्ड है, बर्ड से ह्यूमन में होने के चांस बहुत ही लो हैं इसके, एक्सट्रीमली लो, तो इसके फैलने के चांस भी बहुत कम है जी, इससे रिस्क बहुत ही कम है। जो वायरस फैलता है जो वर्ल्ड वाइल्ड जो जंगली पक्षी हैं जी उनसे घरेलू पक्षी में फैलने के चांस भी बहुत कम, रिस्क बहुत कम होता है। तो इससे बचा कैसे जा सकता है जी H10N3 वायरस से? देखो जी, बचा ऐसे जा सकता है, जो मान लो पोल्ट्री में काम कर रहे हैं जी, फार्म है किसी का, मुर्गी फार्म है, तो उन्हें कॉन्टैक्ट जी किसी डेड पोल्ट्री है, कोई मर गया जी मुर्गी मुर्गा, उनसे कॉन्टैक्ट में, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए, कोई बीमार पक्षी है उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए, उनसे दूर रहें। और क्या है जी, जैसे मान लो फूड हाइजेनिक रखे जी, अपना भी और बर्ड का भी, जैसे बर्ड पालते हैं जी, पक्षी पालते हैं, उनका फूड हाइजेनिक होना चाहिए, साफ़ स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा क्या है जी, जब कोई भी पीपल मान लो कोई पक्षी पालता है, उन्हें पास रखता है जी पोल्ट्री फार्म में, तो मास्क यूज़ करे और अपना सेल्फ प्रोटेक्शन अवेयरनेस रखे जी, जागरूक रहे, समझ रहे हो। और कोई मान लो सिम्टम दिखे उसे, फीवर के, बुखार के, या रेस्पायरेटरी सिम्टम दिखें, कोई लक्षण दिखें कि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है, बुखार हो रहा है, तो तुरंत चेक कराएं। तो इस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है जी, बचा जा सकता है बर्ड फ्लू से। बर्ड फ्लू के जी डिफरेंट स्ट्रेन है, स्ट्रेन का मतलब है जी कई प्रकार हैं इसके, अलग अलग प्रकार हैं बर्ड फ्लू के, एक ही नहीं है, कई तरह के, लगभग 9 टाइप के ये बर्ड फ्लू होते हैं जी, सेवरल स्ट्रेन है, जो चाइना के एनिमल्स में भी मिले जी, और वर्ल्ड वाइड और भी जगह पर मिले, और कई ह्यूमंस में भी मिले जी, लोगों को भी अफेक्ट कर चुका है ये। 2016 से 2017 के बीच में जी एक बर्ड फ्लू चाइना में और हुआ था, जिसका नाम था H7N9 वायरस। एक अलग एक वायरस है जी H5N8, ये सब टाइप है इन्फ्लुएंजा ए टाइप वायरस का ही, इसे बर्ड फ्लू वायरस भी बोलते हैं जी इसको ही। ये प्रेजेंट रहता है जी जहाँ पे, मतलब इसे क्या जी ह्यूमन्स में होने के चांसेस बहुत कम होते हैं H5N8 के भी, लेकिन बर्ड में या पोल्ट्री में हो जाता है तो ये हाईली लीथल होता है जी, बहुत ज़्यादा, मतलब डेथ भी हो सकती है जी बर्ड को, ये बहुत ज़्यादा बर्ड के लिए जो पक्षी हैं जी उनके लिए बहुत ही हानिकारक होता है H5N8 वायरस। अप्रैल में जी इसके जो H5N6 एक नया एवियन फ्लू है, इसके केस देखे गए जी नॉर्थ ईस्ट चाइना के एक सिटी में, सेंगयांग एक शहर है नॉर्थ ईस्ट चाइना में, तो वहाँ पर केस देखे गए जी इसके H5N6 एक नया एवियन फ्लू वायरस है जी। ये सारे बर्ड फ्लू वायरस हैं जी, या एवियन फ्लू वायरस बोल सकते हैं जी, सारे टाइप ऐसे 9 टाइप के हैं जी। इनकी क्लासिफिकेशन ये इन्फ्लुएंजा वायरस बोलते हैं जी इन्हें, इनके सब टाइप भी होते हैं कुछ, और इनकी क्लासिफिकेशन प्रोटीन के आधार पर होती है जी। इनमें 2 प्रोटीन होते हैं जी, एक होता है HA जिसका नाम है हेमा ग्लूटिनिन, और दूसरा जी नेरा मिनीडेस, ये NA बोलते हैं शॉर्टकट में इसको, HA। इनके प्रोटीन कितने जी इसमें वायरस में, इनके आधार पर होता है जी। जैसे मान लो किसी में HA7 प्रोटीन है और किसी में NA9 प्रोटीन है, तो उसका नाम रख देंगे H7N9, इसका वायरस का नाम हो जाएगा जी, प्रोटीन के आधार पे इसे डिक्लेयर करते हैं। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं जी। देखो, इंडिया ने जी H5N एक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है जी, इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब 2019 से लेकर अब तक कोई भी एक भी केस नहीं मिला जी H5N9 का, N91 का, H5N1 का कोई भी केस नहीं मिला इंडिया में, तो इंडिया ने अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर दिया इस वायरस से। और जो जी ये हैं, मान लो कोई हाईली विरुलेंट और कंटेजियस फॉर्म है जी बर्ड फ्लू का, कंटेजियस का मतलब है जी ज़्यादा फैलने वाला है और कोई ज़्यादा ही खतरनाक वायरस है बर्ड फ्लू का, तो उसको बोलते हैं जी फॉल प्लेग। कौन सा वायरस बोलते हैं जी? फॉल प्लेग, उससे होने वाली बीमारी या उस वायरस को फॉल प्लेग बोलते हैं जी। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। 2007 में एक एक्ट बनाया था जी ये गवर्नमेंट ने, ताकि इंडिया में क्या है जी, जो सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली पीपल हैं, उनको वेलफेयर के लिए
बेनिफिट्स के लिए, उनकी भलाई के लिए काम किए जा सकें और उन्हें सुविधा फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकें ताकि अपना जीवन सुखी से बिता सकें। हाई कोर्ट ने जी अभी कर्नाटक को बोला, कर्नाटक गवर्नमेंट को, कर्नाटक का हाई कोर्ट ने, कि भाई साहब आप इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में फ़ेल हो गए हो, इस एक्ट को, कानून को लागू करने में फ़ेल हो गए हो, ये बोला जी हाई कोर्ट ने। क्या इसमें जी देखो जो सिटीजन होते हैं, सीनियर सिटीजन, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना मैंडेटरी है क्या, अनिवार्य है? देखो जी यूपीएससी इतना ही पूछ लेती, इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड ए फैसिलिटी टू द सीनियर सिटीजन इन दिस एक्ट, तो आपको याद रखना नो, ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी का मतलब है जी अनिवार्य है, कि स्टेट गवर्नमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी। नहीं जी, क्योंकि देखो ये सीनियर सिटीजन, ओल्ड एज, एल्डरली को प्रोवाइड करने का ये ऑब्लिगेशन क्या है जी, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये लागू किए जाते हैं डीपीएसपी के थ्रू, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल कौन से है जी, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो ये क्या है जी, ये मैंडेटरी नहीं होते गवर्नमेंट पे कि इन्हें लागू करें ही या नहीं करें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या वो है जी, एक्सक्यूज बहाना, कि उसके पास एक्सक्यूज है कि पैसा नहीं है जी, उसके पास मनी नहीं है, प्रोवाइड नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो ये बहाना दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो जी इसके सेक्शन 19 में ये लिखा है, जो 2007 का ये एक्ट है, कि गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश एंड मेंटेन सच नंबर ऑफ ओल्ड एज होम्स एट एक्सेसिबल प्लेसेस। मे जो वर्ड यूज किया है ना इसमें, मे ये कहता है कि गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो चाहे तो इस कानून के हिसाब से वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब किसी भी प्लेस पे जहाँ पे ओल्ड एज की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे ओल्ड एज होम्स एस्टेब्लिश कर सकती है जी, बड़े बुजुर्गों के लिए वहाँ पे शेल्टर हाउस बना सकती है, उनके रहने के लिए घर वगैरह बना सकती है। यहाँ पे मे लिखा है, मे का मतलब कर सकती है, यानी कि मैंडेटरी नहीं है, समझ रहे हो, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ये चीज़ है जिसमें कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एटलीस्ट वन ओल्ड एज होम बनाएगी जी, इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक होम तो बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, एटलीस्ट इस एक्ट में ये लिखा हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो प्रेस्क्राइब ए स्कीम फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स। स्टेट गवर्नमेंट क्या है जी, कोई और स्कीम के जरिए भी ओल्ड एज होम्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए कोई और स्कीम प्रेस्क्राइब कर सकती है चाहे तो। अब हाई कोर्ट ने क्या कहा है जी इस मैटर में, हाई कोर्ट ने कहा है देखो जी मे जो वर्ड यूज किया है इस एक्ट में, हाँ ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बना भी सकती है, नहीं भी बना सकती, लेकिन क्या है, जब कोई ऐसी कंडीशन रहेंगी जी, के मान लो कोई सीरियस कंडीशन है जी, तो उन कंडीशन को देख के, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर वाइल इंटरप्रेटिंग ए स्टैट्यूट, मतलब कोई ऐसी कंडीशन आएगी जी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सीरियस कंडीशन है, वहाँ पे ओल्ड एज एस्टेब्लिश करना ज़रूरी है, तो हाई कोर्ट ने ये बोला इस कंडीशन में मे वर्ड को सेल की तरह पढ़ा जा सकता है, रीड किया जा सकता है, इंटरप्रेट किया जा सकता है। इंटरप्रेट का मतलब जी अर्थ निकालना, एक तरह से इसका मे को सेल समझा जा सकता है। सेल जब आ गया यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को फिर मैंडेटरी प्रोवाइड करना पड़ेगा वहाँ पे ओल्ड एज के लिए, मतलब एल्डरली पीपल के लिए फैसिलिटी, समझ गए, यानी कि मे, वैसे स्टेटमेंट में आ जाए तो मे ही है जी, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बना सकती है या नहीं भी बना सकती, लेकिन हाँ अगर सीवियर कंडीशन है तो उसे बनाने ही पड़ेंगे। तो ये हाई कोर्ट ने अभी इसका इंटरप्रेट किया है जी। अब नीड क्या जी ऐसे होम्स की बनाने की सीनियर सिटीजन के लिए, ज़रूरत इसलिए जी, देखो आपने बहुत सारे न्यूज़ देखते होंगे, तो अब कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप केस देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे पीपल होते हैं जी जिनको घरों से छोड़ दिया जाता है, भगा दिया जाता है जी, उनके बच्चे छोड़ देते हैं, और जॉइंट फैमिली सिस्टम अब ख़त्म होता जा रहा है जी, आपको पता है, न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, तो उन केस में जी, जिनके पास एल्डरली पर्सन के पास रहने के लिए घर नहीं है और कुछ फैसिलिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट इस केस में सीनियर सिटीजन को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इंडिजेंट सीनियर सिटीजन को, इंडिजेंट का मतलब है जी गरीब लोगों को प्रोवाइड करती है जी ये फैसिलिटी। इसके लिए जी गवर्नमेंट ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया 2007 में। इसमें कुछ प्रोविजन है जी, एक तो जी ये लीगली ऑब्लिजिंग है फॉर द एडल्ट चिल्ड्रन एंड हेयर्स टू प्रोवाइड फॉर पेरेंट्स बाई वे ऑफ मंथली अलाउंस। देखो जी जब ये एक्ट बनाया था, इस एक्ट में ये प्रोविजन है, पहली प्रोविजन ये है, जो भी बच्चे हैं या कोई हेयर्स हैं जी, हेयर्स का मतलब उत्तराधिकारी, जैसे माँ बाप से जिसके पास भी प्रॉपर्टी जाएगी तो वो उत्तराधिकारी हो गया जी, कोई भी पर्सन, तो उसका बच्चा हुआ जी या कोई भी हेयर्स हुआ, उनको जी ये मैंडेटरी है लीगली, क्या है जी, वो ऑब्लाइज है कि आभारी हैं कि उन्हें देना ही देना पड़ेगा अलाउंस, मंथली अलाउंस, अपने क्या जी, अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को जी, महीने में उनको कुछ पैसे मनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें, लाइवलीहुड चला सकें। नेक्स्ट प्रोविज़न यही है कि सीनियर सिटीजन हुआ जी या कोई पेरेंट्स हुआ, उन्हें मंथली मेंटेनेंस के लिए भी वो क्लेम कर सकते हैं जी, इसमें अपना मेंटेनेंस रख सकें जी, तो उन्हें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, उनके बच्चे प्रोवाइड करेंगे जी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग पेरेंट्स जो माता पिता है कैसे भी हो सकते हैं जी, बायोलॉजिकल हो सकते हैं जी, बायोलॉजिकल का मतलब है जी
बच्चों मतलब जो भी पेरेंट्स से बच्चे हुए हैं, ये ए बी माता पिता जी, इनसे बच्चे पैदा हुए जी, तो ये बायोलॉजिकल हो गए, या फिर इन इनके बच्चे नहीं थे जी, इन्होंने अडॉप्ट किया, तो अडॉप्ट अडॉप्ट किया बच्चे को, वो अडॉप्टिव चिल्ड्रन के को भी देना पड़ेगा जी पेरेंट्स, वो भी पेरेंट्स माने जाएंगे उसके, या कोई स्टेप पेरेंट्स हुए जी, स्टेप पेरेंट्स हुए जी, तब भी उनको उनके बच्चों को देना पड़ेगा जी अलाउंस मंथली अपने माता पिता को। इस एक्ट के अंडर ये क्या प्रोविजन है जी कि जो भी लाइफ और प्रॉपर्टी है ऐसे पर्सन की, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, मतलब जो एल्डरली पर्सन है सीनियर सिटीजन, उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी को सेव किया जाए। तो यही है जी आज के टॉपिक, इनसे कुछ रिलेटेड फैक्ट हैं जी इसके रिगार्डिंग। यूनाइटेड नेशन 2020 में जी, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया कि 2020 से 2030 का जो 10 साल है, बोलेंगे डिकेड, इसको डिकेड डिक्लेयर कर दिया, डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग। तो ये यूपीएससी पूछ लेती है जी, आपके पीसीएस का एग्ज़ाम 2020 से लेकर 2030 तक के बीच के जो 10 साल है, ये डिकेड है, 10 साल को बोलते हैं जी डिकेड, इस डिकेड को किस लिए डिक्लेयर किया है, तो आपको याद रखना हेल्दी एजिंग के लिए डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट है जी, देखो ओल्ड पर्सन के लिए क्या है, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ है ना, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के लिए जो कानून है, जैसे यूएन बनाता है जी ह्यूमन राइट काउंसिल, इनमें क्या है जी, कोई भी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं किया एज ए प्रोटेक्टिव ग्रुप ओल्डर पर्सन को, मतलब ये जो बुजुर्ग लोग हैं जी, एल्डरली पर्सन है, इनको एज ए प्रोटेक्टिव ग्रुप के रूप में आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है किसी भी लॉ में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अब क्वेश्चन करेंगे जी हम कुछ इस पे बेस्ड, आज के यही टॉपिक थे। फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा जियोलाइट, ये हमने कई बार पढ़ा जी अपने किसमें, इसी सीरीज में पढ़ा है, करंट अफेयर की सीरीज में, और जो हम कंप्लीट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमने जियोलाइट के बारे में पढ़ा था जी, ये जब ऑक्सीजन की डिमांड हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा कम हो गई थी ऑक्सीजन, दिल्ली में भी बहुत कम हो गई थी, तब ये टॉपिक न्यूज़ में था जी। आपको बताना जी जियोलाइट की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे, कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। एक तो मैंने बताई दिया जी, ऑक्सीजन जब बात कर रहा हूँ तो ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए यूज हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल ये हो सकता है। बाकी की तीन आपको बतानी जी करेक्ट कौन सी है इनमें से, कॉमर्शियल एडजोर्बेंट एंड कैटलिस्ट, ये काम करता है जी ऐसे, एडजोर्बेंट, एडजोर्बेंट का मतलब है जी सोखना, एब्जॉर्ब करना एक तरह से, जो एक सतह पर इकट्ठा करना, एब्जॉर्ब करने का मतलब है एडजॉर्ब का, कि एक प्लेस पे इकट्ठा करना, कलेक्ट करना किसी भी केमिकल्स वगैरह को। नेक्स्ट है जी कॉमर्शियल वाटर प्योरिफिकेशन एंड शॉपनिंग, जो जियोलाइट है जी, वाटर को शुद्ध करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए कि यूज हो सकता है क्या। नेक्स्ट है जी आपका सोलर हीट जो हार्वेस्ट करते हैं जी, उसको स्टोर करने के लिए ये यूज हो सकता है क्या, जो सोलर थर्मल कलेक्टर होता है उससे सोलर एनर्जी जो हीट होती है जी, उसको स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए जियोलाइट यूज हो सकता है क्या। आपके ऑप्शन है जी 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4, या आपका ऑल ऑफ दी ऑफ, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है, डी के डी आंसर, यानी कि सारे के सारे करेक्ट हैं, सबके लिए यूज हो सकता है जियोलाइट। नेक्स्ट है जी आपका इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट जारी की गई थी जी, रिलीज की गई थी, इसके बारे में हमने स्पेशल लेक्चर में भी पढ़ा था। आपको बताना जी कौन रिलीज करता है, ये तेरी करता है क्या, शॉर्टकट में तेरी बोलते हैं जिसको, तेरी, दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी करती है क्या, या मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है जो वो करती है क्या, या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, डी आंसर है इसका, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसको करती है जी, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है जी, ये एक नेटवर्क है, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग एंड ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हूँ आपको, करेक्ट बताना जी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है कि जो नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम है, ये सेंट्रल बैंक और फाइनेंशियल सुपरवाइजर का एक नेटवर्क है, मतलब इसमें क्या है जी, पूरे वर्ल्ड से जो गवर्नमेंट होती है जी, मतलब जो कंट्रीज होती हैं देश, उनके सेंट्रल बैंक, जैसे हमारा इंडिया का आरबीआई है जी, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है जी इसका टारगेट ये है, कोई भी जैसे बैंक है जी सेंट्रल बैंक, और वो कोई भी बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करता है, तो इनको दूसरे बैंक के साथ शेयर करेगा कि ऐसी प्रैक्टिस यूज़ करके आप इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो, कोई भी रिस्क मैनेजमेंट है जी इसको कर सकते हो जी, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट से रिलेटेड कोई भी रिस्क है उसको मैनेजमेंट कर सकते हो फाइनेंशियल सेक्टर में। नेक्स्ट है जी आरबीआई ने बनाया था क्या ये NGFS, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, आपको करेक्ट बताना जी कौन सा है, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा या तीसरा, देखो जी तीसरा बिल्कुल गलत है, आरबीआई ने बिल्कुल नहीं बनाया जी इसे, पेरिस समिट हुआ था जी एक 2017 में, वहाँ पे क्रिएट किया गया था, यहाँ पे सेंट्रल बैंक और सुपर जो फाइनेंशियल सुपरवाइजर होते हैं देश के डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो पार्टिसिपेट करते हैं जी ये, तो आरबीआई ने बिल्कुल नहीं बनाया, हाँ आरबीआई ने ज्वाइन किया है इसे, इसका पार्ट हो चुका है जी इस नेटवर्क का, तो जहाँ जहाँ पे तीन है काट दो जी, आपका आंसर आ जाएगा ए। ये देखो जी इसकी एक्सप्लेनेशन, आरबीआई ने इसे ज्वाइन किया अभी 2021 में, 23 अप्रैल 2021 में इसको ज्वाइन किया है, ये लॉन्च किया था 2017 में जी पेरिस में, फ्रांस में, पेरिस है जी कैपिटल है पेरिस,
वहाँ पे लॉन्च किया था जी, वन प्लानिट समिट हुआ था, मीटिंग हुई थी जिस नाम से, तब ये बनाया था जी। यहाँ पे सेंट्रल बैंक और सुपरवाइजर जो होते हैं जी, फाइनेंशियल सुपरवाइजर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और एक मैनेजमेंट के लिए ताकि जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं आपस में शेयर की जा सकें, इसलिए बनाया था ये। नेक्स्ट बताना जी आपको, जो UNSC है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये एक यूनाइटेड नेशन का ही एक ऑर्गन है जी, छः ऑर्गन है, इसके छः अंग हैं, उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जब ये सैंक्शन लगाती है जी, प्रतिबंध लगाती है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, तो कौन कौन से गोल्स को परस्यूट करती है ये सिक्योरिटी काउंसिल, किस किस के लिए अप्लाई होता है जी इसका सैंक्शन जब प्रतिबंध लगाती है किसी कंट्री पे? पीसफुल ट्रांजिशन जो होता है जी, उसको सपोर्ट करने के लिए होता है के लागू, टेररिज्म को रोकने के लिए, या फिर पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, नॉन प्रोलीफ्रेशन को प्रमोट करने के लिए। नॉन प्रोलीफ्रेशन का मतलब है जी, प्रोलीफ्रेशन का मतलब होता है स्प्रेड करना, फैलाना, और नॉन प्रोलीफ्रेशन का मतलब नहीं फैलाना। क्या नहीं फैलाना? हथियार, वीपन्स को नहीं फैलाना। तो किस किस के लिए यूज होता है जी, जब ये डायरेक्शन देता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 4, या 1, 2, 3, 4? देखो जी, पब्लिक हेल्थ के लिए कोई काम नहीं करता ये, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और बाकी सब के लिए, टेररिज्म के लिए, वीपन्स को क्या ये रोकने के लिए, और आपको पीसफुल शांति बनाए रखे पूरे वर्ल्ड में इसके लिए। तो इसका आंसर 3 निकाल दो जी, 1, 2, 4 हो जाएगा बी, क्योंकि पब्लिक हेल्थ के लिए तो आपको पता जी WHO बना हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, तो ऐसे ही निकाल सकते हो आप इसको। तो नेक्स्ट है जी हमारा, 17 के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना कौन सा करेक्ट है। 17 हमने जी स्पेशल लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके। ये 17 है जी, ये मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक तरह से जी मंदिर की तरह होते हैं जी मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन, जो सिक्किम में और उनके नेबरिंग रीजन में बने हुए हैं। इनको सिक्किम में बनाया गया था, किसने बनाया था? इनको बनाया था जी श्रीमंत शंकर देव ने। ये एक न्यू वैश्वनाइट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था जी, उसी के साथ एसोसिएटेड है ये इंस्टीट्यूशन। न्यू वैश्वनाइट का मतलब जी भगवान विष्णु की पूजा करने का नया सिस्टम डेवलप किया था श्रीमंत शंकर देव ने, क्या कि समाज में सुधार ला सकें, तो उसी का पार्ट है ये। आपको बताना जी कौन सा सही है स्टेटमेंट। पहला बिल्कुल गलत है जी, ये सिक्किम में नहीं है जी, असम में है जी, हमने पढ़ा भी था जी इसके बारे में, असम में है ये 17, ये बिल्कुल सही है जी दूसरा, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताना जी आपको नायक पेंटिंग के बारे में, करेक्ट कौन से स्टेटमेंट है नायक पेंटिंग? नायक पेंटिंग में जी कृष्ण लीला से पेंटिंग के कुछ चित्र बनाए जाते हैं जी इसमें, और नायक पेंटिंग जी जो विजयनगर स्टाइल की जो पेंटिंग थी उनका ही एक्सटेंशन है। आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है, पहला दूसरा, दोनों सही या दोनों गलत? दोनों के दोनों सही हैं जी। नायक पेंटिंग में कृष्ण लीला से, महाभारत से, रामायण से चित्र बनाए जाते हैं जी, पेंटिंग की जाती है, और ये पेंटिंग में जी नायक नाम है जी बस पेंटिंग का, चित्र बनाना जी बस। ये जो विजयनगर एम्पायर कर्नाटक में होता था जी, उसका ही एक्सटेंशन है नायक पेंटिंग। नेक्स्ट है जी आपको भरूत स्कल्पचर, भरूत स्कल्पचर का मतलब है जी मूर्ति होती है जो पत्थर पर बनी हुई कुछ मूर्ति, उनको स्कल्पचर बोलते हैं। तो ये भरूत एक जगह है जी, भरूत में जो स्कल्पचर मिले हैं उसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी करेक्ट यानी कि सही स्टेटमेंट है। भरत जो स्कल्पचर हैं जी वो टाल हैं, लंबे हैं, जैसे यक्षा और यक्षागिन की जो मौर्यन पीरियड में मिली है ना इमेजेज, उनकी तरह है, लंबे हैं ये। नेक्स्ट है जी, जो नैरेटिव दिया गया है इसमें, जो भरूत में स्कल्पचर मिले हैं, मूर्ति वगैरह हैं जी जो पत्थर पर बनी हुई हैं, एक क्वीन माया देवी है जी, उनके ड्रीम, वो सो रही हैं जी, सोते हुए सपना ले रही हैं, उसके सपने को दिखाया गया है इस चित्र में जी, ये भरूत स्कल्पचर का एक एग्जाम्पल है जी। नेक्स्ट है जी, इल्यूजन ऑफ थ्री डायमेंशनलिटी कैन बी फाउंड इन द रिलीफ पैनल्स डिपिक्टिंग नैरेटिव्स। इसमें क्या है जी, थ्री डायमेंशनल इल्यूजन का, इल्यूजन का मतलब है जी भ्रम, इसको भ्रम को इसमें डिपिक्ट किया गया है जी, इसमें ये जो भ्रम है जी थ्री डायमेंशनलिटी का, ये इसमें फाउंड किया जा सकता है इन द रिलीफ पैनल डिपिक्टिंग द नैरेटिव्स। आपको बताना जी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है जी, पहली, दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी, या ऑल ऑफ द अबव? देखो जी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। ये भरूत स्कल्पचर क्या है जी, मौर्यन एम्पायर जब हुआ था जी, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का मौर्यन साम्राज्य जब रूल हुआ करता था, तो उसमें जो यक्षा यक्षागिनी की जो इमेजेस थी उन्हीं के तरह ये लंबी पेंटिंग है जी, टाल है भरूस स्कल्पचर की, और ये बिल्कुल क्यून माया जी, एक रानी है माया देवी, वो सपना ले रही है जी, सो रही हैं, उनके सपने को डिपिक्ट किया गया है, और थ्री डायमेंशनल इल्यूजन को इसमें दिखाया गया है। ये देखो जी, ये हैं क्वीन माया, ये सो रही है ना, सोते हुए इनके ड्रीम को दिखाया गया है, एक सपने में क्या देख रही हैं, और इनके पास पास देखो हाथी बैठा हुआ है, हाथी भी सो रहा है, और इनके पास दासी बैठी हुई है जी इनके लिए, तो ये दिखाया गया है जी इसमें। नेक्स्ट है जी आपको बताना, कोणार्क सन टेम्पल के बारे में स्पेशल लेक्चर लेके पढ़ाया था जी आपको, आपको बताना जी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ये इस टेम्पल को जी व्हाइट पगोडा भी बोलते हैं, और ये यूज किया जाता था जब उड़ीसा के जो एंशियंट सेलर थे ना, सेलर का मतलब है जी यात्रा करने वाले यात्री, जो समुद्र में यात्रा करते थे उनको बोलते हैं, समुद्र में यात्रा करने वाले यात्री को सेलर्स। ये सेलर्स नेविगेशन लैंडमार्क की तरह यूज करते थे, नेविगेशन लैंडमार्क की तरह, जैसे यहाँ पे दिखा जी व्हाइट पगोडा टेम्पल है,
अच्छा यहाँ पे है कोणार्क, चलो यहीं पे ऊपर से देख लेते, दूर से देख लेते थे जी उसका टेम्पल को, तो उसकी तरफ चलने लगते थे, एज ए नेविगेशनल लैंडमार्क की तरह यूज किया जाता था। और इसको कोणार्क को व्हाइट पगोडा भी बोलते हैं क्या। नेक्स्ट है जी, ये क्लासिकल इलस्ट्रेशन है कलिंग आर्किटेक्चर का। कलिंग एक एम्पायर हुआ करता था जी उड़ीसा में, उसी के आर्किटेक्चर का मतलब जी बिल्डिंग वगैरह उन्हीं की तरह बना हुआ है जी ये कोणार्क सन टेम्पल। नेक्स्ट है जी, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जी हमारे इंडिया में, यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल डिक्लेयर कर चुका है जी। आपको बताना करेक्ट कौन सा, 1 2 1 3 2 3 या टू ओनली टू। देखो जी पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसे व्हाइट पगोड़ा नहीं जी ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है। क्या? ब्लैक पगोड़ा, समझे। बाकी के दो करेक्ट हैं जी, सी करेक्ट हो जाएगा। फिर व्हाइट पगोड़ा किसको बोला जाता है जी, जगन्नाथ को, जगन्नाथ टेम्पल। आपको अच्छे से पढ़ाया था जी, जगन्नाथ जगन्नाथ टेम्पल को बोला जाता है जी, पुरी में है जी, पुरी में उड़ीसा में जगह जी, पुरी, पुरी का जगन्नाथ टेम्पल को बोला जाता है व्हाइट पगोड़ा, और कोणार्क को बोला जाता है जी ब्लैक। देखो इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है जी, अभी बता दिया फिर आप भूल जाओगे कौन सा व्हाइट है कौन सा ब्लैक है। याद कैसे रख सकते हो, देखो मैं तो ऐसे रखता हूँ, जगन्नाथ में जग आ रहा जी, जगमग, जगमग हो रही है। जगमग किससे होती है जी, लाइट से, लाइट से जगमग होती है, और लाइट कैसी है, व्हाइट, व्हाइट लाइट से जगमग हो रही है, यानी कि जगमग जगन्नाथ क्या है, व्हाइट पगोड़ा। और कोणार्क को कैसे याद रख सकते हो, फिर दूसरा अगर जगन्नाथ व्हाइट है तो दूसरा ब्लैक ही पगोड़ा होगा, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ। आपको अच्छा लगे तो रख सकते हो जी, नहीं कोई और भी ट्रिक अपना लो आप। नेक्स्ट है जी, आपको इंस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग कुछ आपको स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बताना जी। इंस्क्रिप्शन होता है जी किसी चीज़ पे कुछ भी लिखा हुआ होना, पत्थर पे लिखा हुआ है जी कुछ भी, तो इंस्क्रिप्शन हो गया वो। अशोका ने, अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट एंड ऑफिशियल ऑन द स्टोन सर्फेस। अशोका था जी मौर्यन एम्पायर में पहला ऐसा रूलर था, राजा था, जिसने अपना मैसेज अपने सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट का मतलब होता है जी जैसे डेमोक्रेसी है हमारे देश में, लोकतंत्र है, जो भी हमारे देश में लोग हैं तो वो उसके देश के सिटीजन हो गए जी, सिटीजन, नागरिक, क्योंकि इनके पास राइट है जी, अधिकार हैं। और जब राज हुआ करता था जी, ऑटोक्रेसी हुआ करती थी, अब भी किसी कंट्री में ऑटोक्रेसी, जैसे सऊदी अरबिया, इनमें क्या जी सिटीजन नहीं होते, राइट तो होते हैं लेकिन ये सब्जेक्ट होते हैं जी, रूलर के, राजा के सब्जेक्ट होते हैं, प्यादे की तरह काम करते हैं, समझ रहे हो, इनके पास राइट नहीं होते, अधिकार नहीं होते इतने, तो ये सब्जेक्ट होते हैं जी। अशोका के काल में जी अपने सब्जेक्ट को, अपने जो जितने भी लोग हैं अपने राज्य में, अशोका ने मैसेज, अपना मैसेज फैलाने के लिए स्टोन पे, पत्थर पे ऐसे इंस्क्रिप्शन पहली बार लिखे थे। अशोका पहला राजा था जी ऐसा, जिसने पत्थर पे ऐसे इंस्क्रिप्शन लिखे थे। आपको बताना जी ये करेक्ट है क्या। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि अशोका यूज द इंस्क्रिप्शन टू प्रोक्लेम व्हाट द अंडरस्टूड टू बी धम्मा। अशोका ने ये इंस्क्रिप्शन में बताया था कि धम्मा क्या हो सकता है, इसके बारे में लोगों को समझाया जाए। आपको बताना जी करेक्ट, पहला दूसरा दोनों सही दोनों गलत, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं जी, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अशोका पहले रूलर थे जिन्होंने पत्थर पे इंस्क्रिप्शन आप लोगों को पहुंचाया था अपने सब्जेक्ट को लिख लिख के। नेक्स्ट बताना जी, कालीबंगन एक साइट है, इसके बारे में बताना है जी, साइट का मतलब जगह है, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कालीबंगन का जी राजस्थान में है ये, और इसमें ऐसे कुछ एविडेंस मिले जी, एविडेंस का मतलब है प्रूफ, सबूत मिले हैं, जिसमें ये देखा गया कि अर्लीस्ट फ्लो एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में मिले जी, मतलब सबसे पहले जहाँ पे खेती करने के लिए हल यूज़ किया गया ऐसा प्लेस है जी कालीबंगन। और ये यहाँ पे खुदाई करने के बाद ऐसा मिला जी, एक्सकेवेशन का मतलब है जी खुदाई। ये हड़प्पन साइट है जी, हड़प्पन, हड़प्पा संस्कृति की एक साइट है, यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति हुआ करती थी राजस्थान के कालीबंगन जगह में। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले जी, जो जहाँ पे ये देखा गया कि अर्थक्वेक के सबसे पहले एविडेंस यहीं पे रिकॉर्ड किए गए, मतलब सबसे पहले भूकंप जो आया उसकी हमें जानकारी है वो कालीबंगन में ही मिली है जी हमें। आपको बताना जी कौन सा करेक्ट है, पहला दूसरा दोनों सही या दोनों गलत, दोनों के दोनों करेक्ट हैं जी, सी आंसर करेक्ट है। कालीबंगन देखो जी हड़प्पा की एक साइट है राजस्थान में, सबसे पहले यहाँ पे खेती की गई हल से, ये भी एविडेंस यहीं पे मिले प्रूफ, और सबसे पहले अर्थक्वेक के प्रूफ भी यहीं पे मिले। और एक चीज़ और मिली थी जी, कालीबंगन के नाम में लिखा है, काली का मतलब ब्लैक, बंगन का मतलब है जी बेंगल, यानी कि काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ यहाँ पे मिली थी जी हमें। देखो जी खोद के देखते हैं, ऐसे अभी मान लो जी अभी कोई भूकंप आ जाए यहाँ पे, लोग मर जाएं, दब जाएं, अब बाद में कोई 100 साल, हजारों साल, 2000 साल बाद में यहाँ पे खुदाई करके देखें जी क्या क्या दबा मिला है, कैसे लोग यूज़ करते थे पहले, कैसे कैसे लोग रहते थे, तो ये सब खुदाई करके पता लगता है जी, डिगिंग करते हैं जी, डिगिंग, डिग का मतलब खुदाई, ज़मीन को खोद के देखते हैं कि आसपास कुछ लोगों ने दबाया था, कुछ मिला उनके बारे में जानकारी, ऐसे देखते हैं जी इनको। दो नेक्स्ट है जी हमारा, अत्तुकल पोंगल फेस्टिवल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। ये फेस्टिवल रिलीजियस फेस्टिवल है जी, एक त्यौहार है जो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ये फेस्टिवल जी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वुमन है, मतलब ऐसा त्यौहार है जी जिसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा इकट्ठा होती हैं और त्यौहार को मनाती हैं, सेलिब्रेट करती हैं। आपको बताना जी करेक्ट, पहला दूसरा दोनों सही या दोनों गलत। देखो जी पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पोंगल फेस्टिवल, अत्तुकल पोंगल कहाँ का है, अत्तुकल पोंगल ये केरल का है जी, आंध्र प्रदेश का नहीं, केरल में मनाया जाता है जी, केरल में।
तो इसलिए पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाती है, दूसरी सही है जी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। वुमन की गैदरिंग होती है जी इसमें। आपको बताना जी, शंकर देव, श्रीमंत शंकर देव थे जी, जो संत थे, रिफॉर्मर थे, समाज सेवी थे, उनकी फिलॉसफी थी जी जो वैश्वानाइट की, मतलब भगवान विष्णु की पूजा करना। तो इस फिलॉसफी में क्या क्या इंक्लूड होता है ये बताना जी, करेक्ट कौन सा है। शंकर देव ने जी जो सोसाइटी बेस्ड थी जी, इनकी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी पे, फ्री फ्रॉम कास्ट डिफरेंसेज, क्या जी समाज में समानता रहे और भाईचारा बढ़े और इक्वलिटी रहे, मतलब कोई भी कास्ट सिस्टम ना रहे, इसके बेस्ड पे इन्होंने जी एक वैष्णवनाइट एक मूवमेंट चलाया था, रिफॉर्मर, रिफॉर्म किया था जी समाज में। नेक्स्ट स्टेटमेंट करिए, इनकी टीचिंग थी जी, जो इनकी टीचिंग थी लोगों को सिखाते थे, वो बेस्ड थी किस पे, प्रेयर पे, प्रार्थना करने पे, चैंटिंग। चैंटिंग का मतलब है जी जैसे भजन वगैरह या फिर कोई नाम वगैरह चैंट करते रहते हैं ना, जैसे हरे कृष्णा हरे रामा जैसे करते रहते हैं, जो कृष्ण भगवान कृष्ण को पूजा करते हैं, या किसी जैसे जी किसी और धर्म में माला वगैरह जपते रहते हैं, तो ये चैंटिंग करना होता है। नेक्स्ट है जी, आइडल वर्शिप को भी इन्होंने प्रमोट किया, इनके आइडल वर्शिप पे बेस्ड है इनकी टीचिंग। आपको बताना जी करेक्ट, पहला दूसरा, दूसरा सही या दोनों सही या दोनों गलत। देखो जी, दूसरा बिल्कुल गलत है, इतनी बात तो बिल्कुल सही है, इनकी टीचिंग फोकस करती थी प्रेयर पे और चैंटिंग पे, लेकिन आइडल वर्शिप पे बेस्ड नहीं थी। आइडल वर्शिप का मतलब है जी मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा को ये प्रमोट नहीं करते थे जी, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। पहला सही है जी, ए करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने लेक्चर की समाप्ति की घोषणा कर दें, चलो कर दें।